त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मियां। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवस्फीति अंतराल के बारे में, डिफ्लेशनरी गैप के बारे में। यह डी इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? तो जो डी इन्फ्लेशनरी गैप है उसको, जैसे मैंने बताया पहले कि उसको हिंदी में कहते हैं अवस्फीति अंतराल। तो जो ये अवस्फीति अंतराल का जो ये विचार है, ये दिया प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जब 1929 से लेकर और 33 तक अमेरिका और यूरोप के देशों में महामंदी फैल गई थी, जिससे क्या हुआ था कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई थी, उत्पादन का स्तर घट चुका था, ओके, लोगों के पास पैसा नहीं था वस्तुओं और सेवाओं को परचेस करने के लिए। तो उस समय की स्थिति का वर्णन जो किया है प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जिसको कि शॉर्ट में कहते हैं J.M. कीन्स, उस अवस्था को उसने नाम दिया है अवस्फीति अंतराल, और इंग्लिश में हो गया डिफ्लेशनरी गैप। अब ये डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इसकी जो परिभाषा है यहां पर मेरी लिखी हुई है, तो इस परिभाषा को आप पढ़ सकते हैं। अब इस परिभाषा को संक्षेप में या सरल भाषा में हम कैसे समझेंगे कि डी इन्फ्लेशनरी गैप कब उत्पन्न होता है? तो डी इन्फ्लेशनरी गैप उत्पन्न तब होता है कीन्स के अनुसार, जबकि अर्थव्यवस्था में सामूहिक पूर्ति, सामूहिक पूर्ति के आगे हमने लिखा है AS का अर्थ हो गया सॉल्ट में सामूहिक पूर्ति, और फुल फॉर्म होगी एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, और एक बीच में चिन्ह लगा ग्रेटर देन सामूहिक मांग, सॉल्ट में AD और पूरा हो जाए इंग्लिश में एग्रीगेट डिमांड, और हिंदी में ये हो गया, और इसका हिंदी में ये हो गया। अर्थव्यवस्था में कब आता है अवस्फीति अंतराल? जबकि सामूहिक पूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है, और सामूहिक मांग घट जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सामूहिक पूर्ति ज्यादा होती है जबकि सामूहिक मांग कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था होती है वो संतुलन की स्थिति में नहीं होती है। कीन्स के अनुसार रोजगार का संतुलन वहां पर होता है जहां पर कि सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं। तो कीन्स का रोजगार का संतुलन बिंदु कहां पर होगा कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, कि जहां पर ये सामूहिक मांग और ये सामूहिक दोनों पूर्ति दोनों बराबर हो जाएंगी, वहां पर रोजगार का संतुलन बिंदु निर्धारित होता है। ओके जी, तो ये तो संतुलन की बात की, लेकिन जहां पर सामूहिक पूर्ति ज्यादा है और सामूहिक मांग कम है तो ये असंतुलन की अवस्था है। ओके जी, इसके बाद इसी को हम और भी सरल भाषा में रेखा चित्र पर लेते हैं। रेखा चित्र बनाने के लिए इस प्रकार से आपको 2 एक्सिस लेनी है, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो गया। ये जो वाई एक्सिस है इस पे आप दिखाएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को, और जो ये एक्स अक्ष है इस पे दिखाएंगे नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को दिखाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे 2 अक्ष तैयार हो गए। तो सबसे पहले हमने दिखाना है इस रेखा चित्र में अर्थव्यवस्था के संतुलन की स्थिति, ठीक है, कि कहां पर रोजगार का बिंदु निर्धारित होता है किसके द्वारा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा। जब ये बनेगा तब उसके बाद ये दिखाया जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहां से 45 डिग्री के कोण पर एक कर्व खींचना है फ्री हैंड के द्वारा, चांदा नहीं लेना है, कितना कितना बनेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। यहां से लीजिए O से या 0 से, और इस पर लिख लीजिए एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये पूर्ति की रेखा है, एग्रीगेट पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई की यह रेखा है, जिसको कि हम कह रहे हैं सामूहिक पूर्ति या इसको समग्र पूर्ति भी कहते हैं। ओके जी, अब अगला कर्व हमने यहां ऊपर से लेना है, ठीक है, इसको भी इस प्रकार से लेंगे और इस पे लिख देंगे AD, इस प्रकार से लिया और यहां से और नीचे आगे बढ़ता जाएगा। अब कीन्स ने क्या बोला कि रोजगार का संतुलन बिंदु कहां पर स्थापित होगा, कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होगी। तो यहां पर देखिए ये संतुलन का बिंदु आता है, यहां पर दोनों इक्वल हो गए, बराबर हो गए, ठीक है, जो ये डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व, यहां पे क्या हो गए, बराबर हो गए।
ठीक है, एक दूसरे के काट रहे हैं और डिमांड का कर्व नीचे से आगे बढ़ गया, सप्लाई का कर्व अपनी जगह स्थिर है। इसके बाद यहां से नीचे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये हमारा तल है कि जहां पे समझ लीजिए कि हमारा ये आ गया यहां से लेकर यहां तक नेशनल इनकम। ओके जी, नेशनल इनकम जो होती है राष्ट्रीय आय, वह राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर होती है, क्योंकि जितना राष्ट्रीय उत्पादन होता है और यदि उसको मूल्य से गुणा कर दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय बन जाती है। तो चाहे कुल उत्पादन कहो और चाहे राष्ट्रीय आय कहो, दोनों बराबर होती हैं। ओके जी, अब देखिए इसने यहां पर इसको क्या किया, काटा, प्रतिच्छेद किया, कहीं पे किताबों में लिखा प्रतिच्छेद, अर्थात मतलब जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, मैंने लिख दिया ई, अर्थात कुल मिला के जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जा रही है, ई बिंदु जो है वह पूर्ण रोजगार के संतुलन का बिंदु है। किसके अनुसार? कीन्स के अनुसार। यहां पर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है, और ऐसी स्थिति में कुल उत्पादन या जो कुल राष्ट्रीय आय होगी वो यहां से लेकर यहां तक होगी, अर्थात ओ से लेकर एनक तक होगी। क्या होगी? कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी। ओके जी, पहले तो ये हो गया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस ई पॉइंट पे इक्वल हो गए, और इतना यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कुल उत्पादन या राष्ट्रीय आय निर्धारित हो गई। ओके जी, अब आता है बात कि सामूहिक पूर्ति की तुलना में अब सामूहिक मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। सामूहिक मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, ठीक है, तो घटने की स्थिति में क्या होगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये तो संतुलन की अवस्था बताइए। अब असंतुलन की अवस्था को दर्शाने के लिए कि डिमांड में गिरावट आएगी, डिमांड क्या होगी, घटेगी। कौन सी डिमांड? एग्रीगेट डिमांड। और जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो किससे बनती है? वो बनती है सी प्लस आई प्लस जी से बनती है। ओके, अब क्या होगा कि डिफ्लेशनरी गैप को दिखाने के लिए हमने एक कर्व नीचे लेना है, क्योंकि मांग नीचे गिर गई है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक और कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डॉट डॉट के रूप में भी कर सकते हैं आप, और इस पे लिख देंगे ए डी, ये भी एग्रीगेट डिमांड का है, और ये भी हो जाएगा सी प्लस आई प्लस और जी डैश, डैश कर दिया, डैश मतलब इसका मीनिंग हो गया कि इन तीनों में कमी आ चुकी है, इसलिए हमने जी डैश कर दिया, मतलब सभी डैश है जो कम को दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब यहां से जहां पर पहला एडी वाला कर्व है, अब यह नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है। इसका अर्थ क्या हो गया है कि पूर्ति का कर्व तो वही है, ओके, पूर्ति ज्यादा है ऊपर है, लेकिन डिमांड का कर्व नीचे आ चुका है, सामूहिक मांग कम हो चुकी है, जबकि सामूहिक पूर्ति क्या है, ज्यादा है। अर्थव्यवस्था में सामूहिक पूर्ति ज्यादा, वस्तुओं और सेवाएं ज्यादा हैं, लेकिन उसकी डिमांड क्या हो चुकी है, गिर चुकी है, उसको खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो चुकी है। अब क्यों हुई है ये आगे भी बताते हैं आपको। तो यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक इसको हमने नाम दे दिया ई डैश। ओके जी, अब देखिए ई से लेकर और ई डैश के बीच जो ये मांग घटी है इतना, ठीक है, इसे ई डैश के बीच इसे बोलते हैं, जो कि हम पहले बताए कि अवस्फीति अंतराल, अवस्फीति अंतराल या अंतर भी कहते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है। जबकि यहां पे देखिए राष्ट्रीय आय या उत्पादन का स्तर ओ एन एफ ही है। ओके जी, तो इस प्रकार से ये मांग घट चुकी है और पूर्ति ऊपर ज्यादा हो गई, तो ये हो गया मांग में कमी। अब मांग में कमी का प्रभाव तो हम बताया ही रहे यहाँ पे कि आपको यहां से लेकर यहां तक बताया दिया कि ये अवस्फीति अंतराल होता है, लेकिन रोजगार का संतुलन बिंदु पहले यहां था, लेकिन मांग घटने की स्थिति में क्या होगा कि रोजगार का स्तर घट चुका है। अब यहां पे देखिए सब चीज घटेगा, कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है अब यहां पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, फिर इसे नीचे से निकल गया। ओके जी,
और इसको नाम दे दिया हमने E1, ठीक है जी। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ओके जी। तो ऐसी अवस्था में देखिए, अब राष्ट्रीय आय क्या होगी, पहले इतनी थी, अब यहां से घटकर क्या हो जाएगी, इतनी पीछे आएगी और मात्र इतना रहेगा, जबकि अर्थव्यवस्था के संतुलन बिंदु पर तो इतना था, लेकिन जब डिमांड गिरी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, तो उसके बाद रोजगार का संतुलन कहां पे होगा, यहां पर होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि सामूहिक मांग में कमी से रोजगार का संतुलन बिंदु पीछे की ओर आ गया, अर्थात घट गया, घट गया। उसके घटने से क्या हुआ, रोजगार घटा, रोजगार घटने से उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गई, देश में राष्ट्रीय आय हो गई, ठीक है, या कुल उत्पादन हो गया, जबकि पहले इतना था, तो इतना घट गया क्योंकि एग्रीगेट डिमांड घटी है। लेकिन यहां पर देखना क्या है कि ई से लेकर और ई डैश के बीच जो अवस्फीति अंतराल है, मांग में, सामूहिक मांग में जो कमी आई है, उसकी तुलना में जो यहां पर ये एरो बना रखा है, इसका आकार देखिए बड़ा है, इसका अर्थ हुआ कि नेशनल इनकम में ज्यादा कमी आई है, अर्थात अवस्फीति अंतराल की तुलना में क्या हुआ है, मांग तो इतनी है, घटी है, लेकिन जो उत्पादन और राष्ट्रीय आय है वो ज्यादा घटी है, ठीक है। तो ये ज्यादा घटी है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ठीक है, जिसको कि अवस्फीति अंतराल कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वार रेखा चित्र हमने क्या किया, सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ले लिया, उसके बाद एक एग्रीगेट डिमांड का कर्व ले लिया, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस किया, दोनों बराबर हो गए, उसे हमने नीचे मिलाया, एनएफ लिख दिया, तो यहाँ तक तो पूर्ण रोजगार की स्थिति है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है रोजगार के संतुलन का किन्स के अनुसार, ओके जी। आगे किन्स ने क्या पाया कि जब 1929 से लेकर 1933 तक विश्व में महामंदी फैली, तो उसने देखा कि ये मंदी क्यों फैल रही है, तो उसने पाया कि अर्थव्यवस्था में मांग की कमी हो चुकी है, और कौन सी मांग की कमी हो चुकी है, एग्रीगेट डिमांड की कमी हो चुकी है। तो एग्रीगेट डिमांड के कारण क्या हुआ, अवस्फीति अंतराल उत्पन्न हुआ। उसने क्या किया कि अगला कर्व नीचे की तरफ बनाया, जो क्या दिखला रहा है कि मांग में कमी हो चुकी है, तो यहां से लेकर और यहां तक मांग में कमी दिखाई गई है, लेकिन उत्पादन या राष्ट्रीय आय का स्तर वही बना हुआ है, तो इतना तो इन्फ्लेशनरी गैप हो गया ए से लेकर ई डैश तक। उसके बाद अगला संतुलन, ये ऊंचा संतुलन, यहाँ पर अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है कि जहां पर सभी लोगों को रोजगार मिल चुका है, ओके जी। लेकिन यहां पर जब पहुंची अर्थव्यवस्था सामूहिक मांग की कमी के कारण, तो रोजगार का जो संतुलन का बिंदु है वो काफी पीछे नीचे आ गया है, तो यहां पर रोजगार घटा है, रोजगार घटा है, यहां पर उत्पादन घटा है, कुल उत्पादन भी घटा है, और कुल उत्पादन के कारण कुल राष्ट्रीय आय भी घटी है। तो ऐसी स्थिति कहलाती है महामंदी की स्थिति, क्या कहलाती है, महामंदी की स्थिति, क्योंकि सप्लाई तो ज्यादा है, सप्लाई क्या है, ज्यादा है, लेकिन क्या है, खरीदने वाले बाजार में है ही नहीं, यह है तो कम है, लोगों के पास पैसा कम है। और महामंदी में होता क्या है कि महामंदी अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को कहते हैं कि जहां पर बाजार में वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है कि वो वस्तुओं को क्रय कर सके, लेकिन ये लंबा समय तक चलता रहता है, तो उसके बाद आगे चलकर क्या होता है कि जो उत्पादन पहले कर रहे थे बाजार में आ रहा था तो बिक रहा था, ठीक है, तो लोग उसको खरीद रहे थे, वहां से बिका, हमने खरीदा, बिका खरीदा, बिका खरीदा, ठीक है, ओके, तो बिकने और खरीदने का काम चल रहा था, बेचने और क्रय करने का काम चल रहा था, लेकिन अर्थव्यवस्था में किसी कारण से क्या हो गया, मांग घट गई, तो मांग घटने से क्या होगा, सीधा का सीधा असर उत्पादन पड़ेगा, जहां फैक्ट्रियां लगी हैं, जहां लोग जॉब लगे हैं, और जब उनका उत्पादन बाजार में बिकेगा नहीं तो क्या करेंगे, उत्पादन को घटाएंगे, उत्पादन घटाने के लिए उनको कर्म लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लोग क्या होंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, बाजार में उतर जाएंगे, और जब बाजार में उतर जाएंगे तो उनके पास पैसा कहां से होगा वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक बार तो प्राइस डाउन होता है, प्राइस घटता है, सस्ती होती है वस्तुएं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी लोगों के पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि जॉब चला गया है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, तो ये हो जाता है मंदी की स्थिति, जहां पर कि अगला रोजगार का बिंदु यहां पर निर्धारित हो रहा है, तो
यहाँ पर अर्थव्यवस्था क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं है, पूर्ण रोजगार की स्थिति तो यहाँ पर है, ठीक है जी। और ये जो स्थिति है यह महामंदी की स्थिति को दर्शा रहा है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड कम है अर्थात अविस्फीति अंतराल उत्पन्न हो चुका है, तो इसको कैसे दूर करना है। ऐसा नहीं कीन्स ने इसी की व्याख्या की कि अर्थव्यवस्था में महामंदी क्यों आई, जो कि उसने अपनी किताब लिखी थी, जो बुक उसकी पब्लिश हुई थी 1936 में, उसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें इस बात का उसने व्याख्या की थी और फिर अपना क्या रोजगार का सिद्धांत दिया था, जिसमें क्या बताया था उसने कि रोजगार कहाँ पे निर्धारित होता है, कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जो हमने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। अब इस मंदी को दूर कैसे करना, अर्थात ये जो डिमांड कर्व नीचे आ गया है ये वाला, इसको ऊपर यहां ले जाना है, ठीक है, कि जिससे कि रोजगार का बिंदु जो ये पर कम स्तर पे तय हुआ है, यहाँ पे सभी लोगों को रोजगार नहीं मिला है, तो इसको ऊपर ले जाके इसके बराबर करना है। तो इसके लिए कीन्स ने उपाय बताए हैं, क्या उपाय बताए हैं, क्या करना चाहिए सरकार को। पहला देखिए यहाँ पे लिखा है सी, सी फॉर होता है कंजम्पशन या उपभोग व्यय, उपभोग व्यय, उपभोग जो व्यय होता है वो लोगों द्वारा विभिन्न जो वस्तुएं और सेवाएं बाजार से खरीदी जाती हैं उसको बतलाता है, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं तो सारी वस्तुएं कहां से करते हैं, बाजार से खरीदते। सी फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन में आता है लोगों का उपभोग व्यय, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला खर्चा, वो दूसरे की आय बन जाता है, ठीक है जी। अब इसको बढ़ाने की बात कर रहा हूं कि इस अविस्फीति अंतराल को खत्म करना है, इस बिंदु के स्थान पर यहां तक पहुंचाना है, तो जो यह बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है इसको कैसे दूर करना है, रोजगार के स्तर को कैसे बढ़ाना है, उत्पादन के स्तर को कैसे बढ़ाना है, राष्ट्रीय को कैसे बढ़ाना है, तो उसने कहा उपभोग व्यय को बढ़ाना है। तो उपभोग व्यय बढ़ाने के लिए उसने क्या बताया कि यहाँ पे हमें उपभोग जो वस्तुएं होती हैं उन पे क्या हो, टैक्स लगा रहता है। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है कि जो कि इनकम पे लगा होता है, और एक इनडायरेक्ट होता है कि जो वस्तुओं सेवाओं पे लगा रहता है। तो उसने कहा कि इन दोनों करों में लोगों को छूट दो, तो कर में छूट देने से क्या होगा, लोगों को कम कर देना पड़ेगा, तो कम कर देंगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, तो उस पैसे से लोग बाजार से ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, तो इससे स्वतः क्या हो जाएगी, उपभोग जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे उपभोग व्यय को बढ़ाने के लिए कर की दरों में कमी करनी है, कर घटाने हैं, और कर घटाने से जो उपभोक्ता उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, ओके जी। दूसरा क्या कहा उसने कि वहां पे लिखा है आई, आई फॉर होता है निवेश या विनियोग कहते हैं इसको, निवेश व्यय, इसको भी बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो इन्वेस्टमेंट कब बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट तब बढ़ता है या निवेशक अपना पैसा तब लगाते हैं उत्पादन कार्यों में, चाहे उसको फैक्ट्री खोलनी है या कोई मशीनरी बनानी, तभी फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो कब ज्यादा पैसा उधार लेंगे, जबकि ब्याज की दर कम होगी। यदि ब्याज की दर 20% है, 100 रुपये में 20% ब्याज की दर है, तो बहुत महंगा लोन होगा। तो निवेशक जो क्या करना चाहता है कि निवेश करना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसके लिए 20% पे तो बहुत महंगा लोन है, तो उसको तो ऐसे में स्थिति में घाटा हो सकता है, वो लोन नहीं लेगा। यदि 20% की जगह घटा के ब्याज की दर 5% कर दी गई तो क्या होगा, 15% नीचे आ गया, तो 5% पे ब्याज की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लोन लेना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अच्छा, लोन लेना सस्ता होगा तो लोग ज्यादा लेंगे, तो उसको कहीं और लगाएंगे, देखेंगे इसे बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि निवेश को बढ़ाने के लिए आप क्या करें, ब्याज की दर में कटौती करें। किससे कहा जा रहा है, सरकार से कहा जा रहा है, ओके जी। तीसरा क्या कह रहा हो कि जी, जी का अर्थ होता है जो सरकारी व्यय है, क्योंकि सरकारी व्यय या सरकार का जो व्यय होता है, गवर्नमेंट का, जी फॉर गवर्नमेंट, इसमें भी वृद्धि करनी है, क्योंकि जब महामंदी का काल शुरू होता है तो प्राइवेट सेक्टर तो घाटे में चला जाता है, तो वह निवेश काहे को करेगा, फैक्ट्री काहे को लगाएगा। अब आगे आएगी सरकार, तो सरकार के लिए वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, सरकारी व्यय को बढ़ाना है। तो सरकारी व्यय यदि खर्चा सरकार करेगी तो उससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा। कैसे होगा कि सरकार पैसा डाल दे, उसने कह दिया कि हमने 2 अरब रुपए सड़कों के विकास पर खर्च करेंगे, तो 2 अरब सड़कों का विकास, अर्थात इतना पैसा जब मार्केट में आएगा तो सड़क कैसे बनेगी, सपने में बनेगी, नो। सड़क बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मशीनों की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, अर्थात
हर चीज की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में क्या होगा, स्वतः ही रोजगार उत्पन्न हो जाएगा, लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकारी वैसे सड़क बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां मशीनें बन रही हैं, जैसी मशीन बन रही है, बुलडोजर बन रहा है, रोलर बन रहा है, जो भी बन रहा है, वहां से उसकी डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, वहां भी लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तो काम करने के लिए जहां सड़क बन रही है वहां रोजगार मिलेगा, जहां मशीनों की फैक्ट्री बनी है वहां रोजगार मिलेगा। ओके, इसी प्रकार से क्या है कि सड़क की, जैसे मैंने बात की कि आप ऐसा कर दीजिए कि आप एक बंदरगाहों का विकास कर लीजिए, पैसा लगा दीजिए, सरकार का पैसा है। ठीक है, तो बंदरगाहों का विकास करेगी तो फिर पैसा डालेगी मार्केट में। ठीक है, लोग काम करेंगे वहां, उनको रोजगार मिलेगा। तो स्कूल कॉलेजों को बनाइए। ठीक है, तो स्कूल और कॉलेज में भी क्या होगा, बिल्डिंग का मटेरियल जो आता है उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, जहां मटेरियल बन रहा है वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां भी मिलेगा, और जहां स्कूल कॉलेज बन रहे हैं वहां भी रोजगार मिलेगा। ओके, तो पैसा आएगा, रोजगार से क्या होगा, पैसा आएगा। जो पैसा सरकार क्या कर रही है, इकोनॉमी में डाल रही है, सड़कों के विकास करने के लिए, या पुल बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है, गाड़ियां बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, तो पैसा इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, उससे उत्पादन तो बढ़ेगा है, लेकिन उत्पादन अकेला थोड़ी होता है, उत्पादन तो रोजगार के साधनों की सहायता से होता है। तो इतने साधनों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनके पास आय आएगी, आय होगी तो फिर वो क्या करेंगे, उसको खर्चा करेंगे, तो मांग बढ़ जाएगी किसकी, वस्तुओं और सेवाओं की। तो कुल मिलाकर इन तीन चीजों के द्वारा जो ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व डाउन हुआ था, तो सरकार यदि क्या करे, उपभोग व्यय में करों की दर को कम कर दे तो उपभोग बढ़ेगा, ब्याज की दर घटा दे तो निवेश बढ़ेगा, सरकारी खर्चा जो मैंने बढ़ाया उसी, ये सारा बढ़ेगा, तो यह डिमांड कर्व को क्या करेगा, यहां से खिसका के ऊपर यहां तक ले जाएगा कि जहां पर अर्थव्यवस्था पहले थी। ओके, जहां पर अर्थव्यवस्था पहले थी मतलब अर्थात यहां पर इतना क्या है, राष्ट्रीय आय का स्तर है, और उस समय रोजगार का संतुलन बिंदु ई है, यहां तक ले जाना है। किसने कहा, कीन्स ने कहा। और ऐसे उपायों के द्वारा ही क्या हुआ कि जो तीसा की मंदी थी, जिसमें कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या थे, महामंदी से गुजर रहे थे, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा पहुंच गई थी। तो आप जानते हैं जब बेरोजगार आदमी व्यक्ति होता है तो पैसा नहीं होता है, जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जब अर्थव्यवस्था मंद पड़ गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, तो केन्स ने अपने सिद्धांत में जो बातें बताई, तो उसके बाद अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, रोजगार बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, और उसके बाद राष्ट्रीय आय भी बढ़ी। तो इस प्रकार से जो एक केन्स का जो अवस्फीति अंतराल है, जब भी रोजगार और आय की बात की जाती है रोजगार के सिद्धांत के रूप में, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक का जो हमारा विषय था वो था अवस्फीति अंतराल, डिफ्लेशनरी गैप, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि अवस्फीति अंतराल क्या होता है। तो अवस्फीति अंतराल बतलाता है कि जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के संतुलन बिंदु पर होती है, और ऐसी स्थिति में यदि सामूहिक मांग घट जाए, ठीक है, और इसका अर्थ होगा कि सामूहिक पूर्ति ज्यादा रहेगी, तो सामूहिक मांग के कम होने से क्या असर पड़ने वाला है, कि सामूहिक मांग के घटने से रोजगार घटेगा, ठीक है, और उत्पादन भी घटेगा। और डायग्राम पे हम इस प्रकार से उसको दिखाएंगे जैसे कि कीन्स ने बताया है। तो इस प्रकार के डायग्राम जो हम आपको बता रहे हैं विभिन्न वीडियो में, तो इनको आप यदि बार बार अभ्यास करेंगे तो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपका इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इनको बार बार पढ़िए। ठीक है, बार बार पढ़िए, सुनने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना भी है, बनाना भी है, देखना, तो सारी क्रियाएं करनी है, तब जाके ये चीजें हमारा अर्थात हमारा इकोनॉमिक्स एकदम से कैसा होगा, क्लियर हो पाएगा, साफ हो पाएगा, कि हम उसको देख पाएंगे कि इसमें कौन कौन से सिद्धांत बताए जा रहे हैं। ऊपर मोटा मोटा देखने से इसका हमें लाभ नहीं मिलने वाला है, अर्थात इसकी फुल डोज हमें लेनी है। ठीक है, दवा के जैसे डॉक्टर देता है ना दवा, तो 7 दिन के दे दी, 1 दिन का खा दिया तो फिर आदमी बीमार हो सकता है। ठीक है, 7 दिन पूरी डोज लेनी है, तो फुल डोज ले ली, ठीक है, वैक्सीन की पूरी डोज ले ली, तो बीमारी से आदमी क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ऐसे यदि हमें अपने विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका हमें फुल डोज लेना पड़ेगा, अर्थात हमें विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करना पड़ेगा, एक दिन नहीं बार बार क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हुआ
आउ स्फीति अंतराल या डिफ्लेशनरी गैप।